दोस्तों, वैसे तो टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टीवी शो प्रसारित किए गए हैं, लेकिन शायद ही इनमें से किसी ने सीरियल सीआईडी का रिकॉर्ड तोड़ा हो, क्योंकि ये सीरियल साल 1998 में टीवी पर प्रसारित किया गया था, जो आज टीवी जगत में अपने 20 साल कंप्लीट कर चुका है। आज भी इस सीरियल को उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले किया जाता था। ये सीरियल ना सिर्फ टीआरपी के मामले में टॉप पर रहा, बल्कि इस सीरियल की कास्ट भी रातों रात सुपरस्टार बन गई, जिन्होंने अपने किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी और शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी हासिल की। इसीलिए तो आज ये कलाकार बेहतर लग्जूरियस और लेविश लाइफ जी रहे हैं, कई एक्सपेंसिव हाउस में रहते हैं जिनकी कीमत लाखों और करोड़ों में होती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीरियल सीआईडी में काम करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले कुछ चुनिंदा कलाकारों के आलीशान घर के बारे में बताने वाले हैं, जो करोड़ों के घर में रहते हैं, जिनकी कीमतें जानने के बाद आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, ओ माय गॉड। तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार। नंबर 5, दिनेश। इस सीरियल में अभिनेता दिनेश फडणीस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिसका अंदाज कॉमेडी के साथ साथ एक धाकड़ इंस्पेक्टर का होता है, जिसके जरिए इन्होंने दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की। इसीलिए आज ये मुंबई के एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। इस आलीशान घर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसमें हर एक चीज़ का बेहद बारीकी से ख्याल रखा गया है। साथ ही इस आलीशान घर में कार पार्किंग और शानदार गार्डन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, जो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव है। नंबर 4, श्रद्धा मूसले। इस सीरियल में डॉक्टर तारिका का किरदार अभिनेत्री श्रद्धा मूसले ने निभाया था, जो कि हमेशा सीआईडी की टीम के साथ काम करती हुई नजर आती हैं, और दर्शकों ने इनके इस किरदार को बेहद अच्छा रिस्पांस दिया था, जिसके चलते आज वे बेहद आलीशान और लेविश लाइफ जी रही हैं। इनका मुंबई के पास पुणे में एक शानदार घर है, जिसकी कीमत तकरीबन 91 लाख रुपए है, जिसका इंटीरियर डिजाइन और आउटलुक बेहद शानदार है। साथ ही इस आलीशान घर में हर तरह की फैसिलिटी और मैनेजमेंट का बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है, जिसमें बेडरूम, बिगेस्ट हॉल और शानदार बालकनी जैसी हर चीज प्रोवाइड की गई है। नंबर 3, शिवाजी साटम। सीरियल सीआईडी को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने का सारा क्रेडिट अभिनेता शिवाजी साथम को ही जाता है, जिन्होंने एसीपी प्रद्युम्न का किरदार निभाकर शोहरत के साथ साथ खूब दौलत हासिल की, और इसीलिए आज ये मुंबई के एक आलीशान घर में रहते हैं और एक आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं, जहां इनका एक बंगला है जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। इस आलीशान घर की लाइटिंग मैनेजमेंट से लेकर कार पार्किंग तक हर फैसिलिटी का ख्याल बखूबी रखा गया है, जिसका आउटलुक देखने लायक है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 2, दयानंद शेट्टी। दया दरवाजा तोड़ दूं जैसे पॉपुलर डायलॉग से प्रसिद्धि हासिल करने वाले अभिनेता दयानंद शेट्टी ने सीनियर इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी, और आज भी ये बड़े पर्दे पर अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेर रहे हैं। इसीलिए आज ये अकेले करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं, जिनका मुंबई में अपना एक आलीशान घर है, जिसकी खूबसूरती आपके होश उड़ा देगी। इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। इस आलीशान घर का इंटीरियर डिजाइन बेहद शानदार है और आउटलुक भी देखने लायक है। साथ ही इस आलीशान घर में हर छोटी बड़ी चीज का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। नंबर 1, आदित्य श्रीवास्तव। अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव तकरीबन 20 सालों से सीरियल सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत का किरदार निभा रहे हैं और लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रहे हैं, जो आज फिल्मों और शोज में काम करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम चार्ज करते हैं, और इसी शो के चलते ये एक लविश लाइफ भी जी रहे हैं। इनका मुंबई में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। जितनी मोटी इस आलीशान घर की कीमत है, उतनी ही इस घर की खूबसूरती भी। हर एक चीज़ आपका मन मोह लेगी। तो दोस्तों, आपको सीरियल सीआईडी में इन अभिनेताओं में से किस कलाकार की एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।